26 लोग घायल भी हो गए हैं। घटना अहमदाबाद के कांकरिया इलाके के एक एडवेंचर पार्क की है। बताया जा रहा है कि एडवेंचर पार्क में जॉय राइड के दौरान विशेष झूला टूट गया था और हादसे के वक्त झूले में उस वक्त 31 लोग सवार थे, 15 को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जॉय राइड झूला अचानक चलते चलते टूट गया। कल संडे था, एडवेंचर पार्क में बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। छुट्टी होने की वजह से, स्कूलों की छुट्टी होने की वजह से ज्यादातर लोग यहां पर घूमने आए हुए थे। फिलहाल सभी घायलों का जो खर्च है वो नगर निगम उठाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। पुलिस ने इस मामले में झूला संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और आपको दिखाते हैं इस हादसे की 3 तस्वीरें, कैसे ये पूरा हादसा हुआ जिसमें बद इंतजामी ने 3 लोगों की जान ले ली और 26 से ज्यादा लोग जख्मी है। ये देखिए, आराम से ये झूला चल रहा है। दूसरी तस्वीर झूले के टूट के गिरने की है और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां फिर तफरी मच गई और जो लोग घायल थे उनको तुरंत वहां से निकाला गया। अहमदाबाद के कांकरिया की एक बड़ी ही दुर्घटना सामने आई है। जिस हिसाब से यहाँ पे जो राइड है वो चालू राइड गिर गई थी, पीछे जो राइड है अहमदाबाद के कांकरिया के एडवेंचर पार्क में, ये राइड है डिस्कवरी राइड इसको बोला जाता है, और ये राइड कल शाम को चालू राइड में ही ये गिर गई थी, टूट कर गिर गई थी। खास करके जो बात करें कि अहमदाबाद की ये कांकरिया है, कांकरिया लेक जो मॉडल अहमदाबाद का मॉडल गिना जाता है और कांकरिया लेक में यही घटना बनी हुई है। जिस हिसाब से ये राइड गिर गई है उसमें 29 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस हिसाब से ये राइड का मेंटेनेंस किया नहीं जा रहा था इसके कारण ये घटना दुर्घटना हुई है वो आमतौर पे देखा जा रहा है। जिस हिसाब से नीचे के भी जो दृश्य है वो कई सारे जो लोग थे यहाँ पे जो राइड का आनंद ले रहे थे वो लोग के जूते भी बिखरे हुए हैं। कई सारे लोग यहाँ पे गंभीर रूप से कल घायल थे। तंत्र की ओर से कोई भी एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है। जिस हिसाब से पुलिस ने संचालक को अभी पकड़ लिया है और जिस ये राइड का जो संचालक है उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आज एफएसएल की टीम यहां पे आएगी, एफएसएल की टीम रिपोर्ट देगी, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। जिस हिसाब से अहमदाबाद में अलग अलग जगह ये एडवेंचर पार्क खुले हुए हैं उनको किस हिसाब से फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि ये जो एडवेंचर पार्क का जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्टर दूसरी और जगह भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वस्त्रापुर लेक पे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वहाँ की राइड सेफ है लोगों के लिए वो लोग जानना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नीतीश बेगड़ा के साथ ब्रिजेश दवे, इंडिया न्यूज गुजरात, अहमदाबाद। और हमारे सहयोगी ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ी रहे ताजा जानकारी के लिए। ब्रिजेश, फिलहाल क्या खबर है, किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं छुट्टी के दिन और खासकर बच्चे, उन सबकी जान खतरे में होती है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से अहमदाबाद के जो कांकरिया है यहाँ पे कई सारे लोग सैटरडे संडे की छुट्टी मनाने को आते हैं, बाहर से भी जो लोग आए होते हैं ये यहाँ पे छुट्टी मनाने को आते हैं। और ये एडवेंचर पार्क है उसमें कल ये हादसा हुआ, जो चालू जो राइड थी, जो झूला था वो चालू राइड में वो गिर गया और 31 लोग इसमें सवार थे और उसमें से 29 लोगों को गंभीर रूप से इजा हुई है। सभी लोग जो है वो वहाँ एलजी अस्पताल में दाखिल हुए हैं और 2 लोग की मौत बताई जा रही है। जिस हिसाब से ये राइड्स का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था बिल्कुल, ये उसकी वजह से ये हादसा हुआ ऐसा भी तंत्र भी बोल रहा है। अभी जिस हिसाब से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तंत्र लगा हुआ है। तो 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्या इनको सेफ्टी लाइसेंस दिया जाता है, किस पैमाने पर दिया जाता है और फिर इसकी मेंटेनेंस किस तरह से की जाती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शुक्रिया ब्रिजेश।